नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8th ऑफ मार्च वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जहां वुमेन्स डे नहीं मनाया जाता। अपनी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो अपने मदर हो, अपने सिस्टर हो, अपने वाइफ, अपने फ्रेंड, हम सबको विश करते हैं। पहले तो ये हर कंट्री में अलग अलग डेज को मनाया जाता था, लेकिन फिर 1914 में जर्मनी में पहली बार इसे 8th ऑफ मार्च को मनाया गया। पॉसिबली क्योंकि उस दिन संडे था। लंदन में भी मार्च निकाला गया और फिर इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस ने 8th ऑफ मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे डिक्लेयर कर दिया और तब से हम 8th ऑफ मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि साल के सिर्फ इस एक दिन को सेलिब्रेट करने का क्या फ़ायदा, जब साल के 364 डेज फीमेल्स को हम डिसरिस्पेक्ट करते रहें। आज 21st सेंचुरी में रहते हुए भी फीमेल्स की कंडीशन कुछ ज़्यादा सुधरी नहीं है। हम सब जानते हैं कि सालों से अपनी सोसाइटी में जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी चलती आ रही है। ऑन अ डेली बेसिस एक्सप्लॉयटेशन होती है फीमेल्स की, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 2016 में इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड इंसिडेंट्स हुए। बर्थ से पहले ही एक बच्चे को मार देना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की है, अभी तो वो ज़िंदगी में आई भी नहीं। एक और रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 90 से 95% मिसिंग फीमेल्स पूरे वर्ल्ड में इंडिया और चाइना में से हैं। इसे आप समझने की कोशिश करें कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फीमेल मिसिंग है, 90 से 95% वो फीमेल्स इंडिया और चाइना में से हैं। 2019 में लगभग 3 महीनों में 132 विलेजेस में कोई भी फीमेल पैदा नहीं हुई। कितनी हैरानी वाली बात है कि 132 विलेजेस में कोई भी फीमेल पैदा नहीं हुई। और अगर एक लड़की पैदा हो भी जाती है दोस्तों, तो एक और नई प्रॉब्लम आके सामने खड़ी हो जाती है और वो है चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। हालांकि चाइल्ड मैरिज को बहुत पहले ही बैन कर दिया गया था और आप सोच रहे होंगे कि ये आजकल तो कहाँ है, ये तो बहुत साल पहले की बातें हैं। और काश मैं भी यही कह पाता था कि ये तो बहुत पहले की बातें हैं, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। एटलीस्ट 1.5 मिलियन गर्ल्स की मैरिज 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। लीगल एज फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाती है। और अगर कोई लड़की बच भी जाए या फिर ना भी बचे, तो उसकी फैमिली और उसके ऊपर एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वो है डाउरी की, दहेज की। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इसके बारे में मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब इसी सोसाइटी में रहते हैं, हम सब भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। और बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि डाउरी डेथ का सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट सिर्फ कुछ ही दिन पुराना है, जिसमें आयशा बानू, जो कि अहमदाबाद की रहने वाली थी, डाउरी के कारण साबरमती रिवर में उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने बकायदा एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया पहले, ये सब कुछ बताते हुए। और ये तो सिर्फ दोस्तों एक इंसिडेंट है जो हम सबको पता लग गया। ऐसे हर रोज़ अपने आसपास बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, और इतना सब कुछ झेल के भी दोस्तों अगर एक फीमेल कुछ बन भी जाए, तो तब भी उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, उसे दबाया जाता है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें हमें कौन सिखा रहा है, कौन अपने दिमागों में भर रहा है कि ऐसा करना है? इसका आंसर जब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तब पता चला कि जब एक फीमेल पैदा ही होती है, डिफरेंस तो तभी हो जाता है। लड़का पैदा हो तो हम सेलिब्रेट करते हैं उसका पहली दिवाली, उसका पहला फेस्टिवल, उसका पहला बर्थडे, लेकिन एक लड़की शायद अपनी भाई की खुशियों में ही खुश हो लेती है। फ़र्क तो तभी हो गया अपनी सोच में, हमने तभी डिवाइड कर दिया ये लड़का और ये लड़की, और बाद में हम अपनी सोसाइटी में या फिर दूसरों में प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन खुद में कभी झांक के देखते ही नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि जितनी भी फीमेल्स इस वीडियो किस टाइम देख रही हैं, वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी ईव टीजिंग या गलत कमेंट्स पास कर देने, इन सब को ज़रूर झेला होगा, इन सब से ज़रूर गुजरी होंगी। और ईव टीजिंग को तो अपनी सोसाइटी ने इतना कॉमन कर दिया है कि जैसे बर्थ राइट ही हो ईव टीजिंग का, किसी को भी ऐसे कमेंट पास कर देना, किसी को भी कुछ भी कह देना, और मूवीज़ में तो इसको ज़्यादा ही बढ़ावा मिलता है। हो सकता है कि शायद ये आपके लिए एंटरटेनमेंट हो, लेकिन जिस ट्रॉमा से वो लड़की गुजरती है या फिर जो उसके दिमाग पर असर पड़ता है, उसका आपको आइडिया भी नहीं लग सकता। ये कुछ और रिपोर्ट्स देख लें। 2019 में हर दिन 88 रेप केसेस रिपोर्ट हुए, और ये तो वो केसेस हैं दोस्तों जो रिपोर्ट हो गए, हज़ारों लाखों केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे। और आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अपनी सोच में है, क्योंकि बजाय इसके कि हम लड़कों को समझाएं या रोकें, हम फीमेल्स को, अपनी बेटियों को रोकते हैं, समझाते हैं, रोक टोक करते हैं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बचाते हैं।
बचपन से ही एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा रोक टोक, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं समझाएंगे क्योंकि घर का चिराग है वो। बजाय इसके कि वो अपने बेटे को रोकें, वो अपनी बेटियों को समझाने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। और इन सब से गुजर कर एक लड़की वुमेन बनती है। आप कोई भी फील्ड बता दें जिसमें लड़कियों ने शाइन नहीं किया हो, कोई भी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, डिफेंस हो, स्पोर्ट्स हो, चांद तक पहुंच चुकी हैं लड़कियां, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों की सोच गली के नुक्कड़ से भी आगे नहीं पहुंची। और अगर आप ये चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, फील करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे की आपको बहुत 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 बधाई हो। लेकिन अगर नहीं, तो साल के 364 डेज पहले अपने आप को सुधारें और फिर इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाएं। आखिर में दोस्तों, आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत 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 बधाई हो। अपनी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स हैं, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, क्योंकि मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।